यार तूने कैसा चूतिया बॉयफ्रेंड बना रखा है, ये बेबी पागल है या तुम पागल कर गया? जा निकल जा, ये धक्के मार के और मारूंगा भी, इतना जलील हो गया और हमारी इंसल्ट और मत करा, टीचर से दफा हो यहां से। मैं तुझे कैसे टच कर रही है? मार रही हूं बदतमीज, तेरी टीम कर रही है। हां बदतमीज से लड़के मेरा बाप बनने की कोशिश मत। कैसा गरीब सा तूने बॉयफ्रेंड बनाया है, पता है तुझे कोई शर्म नहीं है क्या? कोई लेवल औकात देखकर यार अब क्या सोचकर मुझसे हां करी तूने? मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, ठीक है, मैं सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पीता। यार वो तेरा नया वाला बॉयफ्रेंड ही आया अभी तक, अब देख सामने जो आ रहा है यही तो नहीं है फिर टीचर सा? यार रूपी ये टीचर सा तेरा बॉयफ्रेंड है? हाय रूपी कैसे हो आप? क्या हाय, सड़े में से गंदे हाथ लेकर आ गया। हाय रूपी ये क्या लेकर आया, दो टके की स्कूटी? वो भी कबाड़ खाने से चुरा के लाया क्या? यार रूपी तेरा बॉयफ्रेंड कैसा फटीचर सा है, बेवकूफी के क्या सिंघम की तरह उतर रहा है, जैसे पता नहीं कौन से मूवी का सो चल रहा हूँ बेव कहीं का कबाड़। नहीं नहीं अपने आप को हीरो ही समझ रहा है। मेरी बहन ने बोलती मैं हीरो हूँ। वो भी इसकी तरह बेवकूफ होंगी क्या? पहले तारीफ करती होंगी बदतमीज सा, ये कोई तारीफ करने जैसी हरकतें है, सारी लुच्छो लफंगो वाली है, कोई डिसेंट लुक है तेरे अंदर? ये कोई तमीज है? मैं तो सोचती थी कोई अच्छा पढ़ा लिखा कोई बिजनेसमैन होगा तू बड़ा सा, तू तो ऐसे आया लफंगो की तरह। यार रूबी तू तो बोल रही थी इसके पास कार्ड है बहुत सारी, ये है वो है, ये तो फटीचर सी गाड़ी पे आया पता नहीं कहाँ से कबाड़ से उठा कर लाया है। पापा का गैराज है ना इसलिए मैं फोटो नहीं लेता हूँ, आपने गलत समझ लिया। ना बड़ा फ्रॉड किया मेरे साथ तमीज, मुझसे झूठ बोला कि मेरे पास सारी गाड़ी और चीजें हो, तो ऐसा बेवकूफ है? तूने इसकी जिंदगी पर बात करती है रिलेशनशिप में लाके, इसका स्टैंडर्ड देख अपना देख, बेवकूफ गवार इसकी ना स्टैंडर्ड, इसके पापा ना बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। यार ये तो मुझे लगता है इसने ये स्कूटी में ना किसी कबाड़ से उठा लिया होगा, कबाड़ खाने से बेवकूफ। सही में आपको कैसे पता मेरा कबाड़ी का भी काम है? बे यार ये कैसा गरीब सा तूने बॉयफ्रेंड बनाया है, पता है तुझे कोई शर्म नहीं है क्या? कोई लेवल औकात देखकर यार अब क्या सोचकर मुझसे हां करी तूने? तुझे पता भी है इसके पापा पॉलिटिशियन है और तू ठहरा मैकेनिक का बेटा। आपने तो मैसेज किया था मुझे, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुझे मैसेज कर दिया। गले इंसान इतनी अच्छी अजीब फोटोज डाल रखी है किसी के महंगी महंगी गाड़ियों के बाहर, तो मैं क्या सोच रही कि हाँ अमीर इंसान हूँ यार, ठीक है और देखने में भी अच्छा था, महंगे महंगे कपड़े पहन रखे थे। मुझे नहीं पता था कि लोग पैसे देख के बात करते हैं, मैं तो बस फोटो गाड़ी आती थी लोगों के रिपेयर होने के लिए धुलने के लिए तो मैं क्लिक करवा लेता। ओ हेलो अपना स्टैंडर्ड देख, ये अपने जैसे पैसे वालों के साथ ही नहीं रहते, जैसे बेवकूफ के साथ तो नहीं रहेगी। यही सोच के तो मैंने इसको मैसेज किया। ये क्लब जाने वाली लड़की और तू तो सिगरेट भी नहीं पीता होगा बेवकूफ, डिसेंट सा ऐसे ना सीधे लड़के हमें नहीं चाहिए, इसका देख स्टैंडर्ड, ये क्लब जाने वाली लड़की है। वाले तो अच्छे होते हैं ना, मेरे मम्मी ने बताया मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, ठीक है मैं सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पीता। कोई अच्छा नहीं होता सिगरेट पीने वाला, सब उसको चोमू कहते हैं, उसको बंदर कहते हैं। यार मैं तो बोल रही हूँ उसके ना मुंह पे दो चाटे मार बेवकूफ के, कैसे गवार पे तुझे कैसे टच कर रही है? हां मैं हूं बदतमीज, तेरी तो बातें सुनी जा रही हूं कब से। आपको क्या हुआ, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे इंस्टाग्राम पे? इंस्टा पे कर रही थी क्योंकि तेरी वहां प्रोफाइल अच्छी दिखी थी, मुझे नहीं पता था कि तेरा लेवल और औकात कुछ है ही नहीं, मेरे से स्टैंडर्ड ही मैच नहीं होता। गले में का दोस्त है उसी के है। यार मुझे तो लगता है इसने स्कूटी भी ना किसी से मांग ली होगी, इसकी तो खुद की होगी नहीं, इसकी तो औकात ही नहीं है। स्कूटी मेरी खुद की है, मेरे सेकंड हैंड लिया तेरे बाप ने? हाँ सेकंड, मैंने खुद के पैसों से लिए, खुद कमा कर। यार रूबी मुझे नहीं पता था तेरी टेस्ट, तेरा टेस्ट इतना गंदा है, ये गवार सा तेरा टेस्ट होगा। यार मैं तुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं रख पाऊंगी अगर तू ऐसे लड़के साथ रहेगी तो। नहीं दीक्षा तू कैसी बात कर रही है, मैं इसके साथ रहूंगी क्या? मैं भी अपना लेवल देख रही हूं। दो चाटे मार निकाल इसको यहां से। आप जैसे बोलोगे मैं सिगरेट पीने लग जाऊंगा आपके लिए, आप बोलो तो सही। सब कर लेगा, पैसे कहाँ से कमाएगा, क्या खिलाएगा तुझे? मुझे 12,000 रुपए कमाता हूँ महीने के। 12,000 मैंने क्लब के एक दिन के खर्चे हैं, 12,000 ड्रिंक का इसका लग जाता है सोर्स में बस। मत लिया करो बुरी चीज होती है, मैं पीऊ ना पीऊ मेरा कॉल है लेकिन खर्चा तो मैं रखती हूँ ना, मैं खुद भी ना करूँ तो अपने दोस्तों को पिला देती हूँ, उनके ऊपर खर्च कर देती हूँ, इतना पैसा उड़ाती हूँ और तू खुद फटीचर से 12,000 कमाता है, तू मेरे क्या शौक पूरे कर पाएगा? रूबी यार तू किसको बोल रही है, इसने 12,000 छोड़ 12 रुपए भी देखे होंगे अपनी जिंदगी में कभी ढंग से, इसके तो अभी भी मैं बोल रही हूँ जिसका पॉकेट चेक उसमें चिल्लर नहीं होंगे 2 रुपए अभी। बेवकूफ है मेरे पास 2 रुपए है देख ले, इसकी औकात ही 2 रुपए की, मैं तुझे वही दिखाना चाहती थी इसकी औकात, बेवकूफ गवार कहीं का, और खड़े खड़े ऐसा ही आ गया, इसलिए कुछ गिफ्ट नहीं लाया क्या बेवकूफ? जी
नहीं पाया, इसका बाप बनेगा तू बेवकूफी का गधा। यही औकात है, यही पड़ा रहे जमीन में, समझ आ गई? और स्कूटी इसके ना कदमों में रह जिंदगी भर। मैं तो बोल रही इसकी स्कूटी तोड़ दे। स्कूटी को मत मारो प्लीज। तो तुझे मारे क्या? तू तो मार खाने लायक भी नहीं, तू तो इस लायक नहीं कि तुझे अपने हाथ से टच करे। हां से सामने से आके तू हाथ धो ले अपने सैनिटाइजर से, कैसे गंदे इंसान को छू दिया तूने? सही कह रही है तू। अब तो मुझे जलील कर रहे हो। तू इस लायक है इसलिए तुझे जलील कर रहे हैं। इज्जत है तेरी? कोई इज्जत है? हमारे पास खड़ा हो गया उसी में थोड़ी हमारी इज्जत घट गई तेरे खड़े होने से। तो यार चार लड़के देख लेंगे ना तो क्या सोचेंगे तेरा फटीचा सा बॉयफ्रेंड है? चले चले पता, मैं समझा कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो पता किस गति से मैंने आज मिलने वाली बड़ा आया बॉयफ्रेंड कहीं का बेवकूफ। इसका स्टैंडर्ड देख, अपना देख, शक्ल देखिए इसकी, गोरी चट्टी। तू अपने आप को देख बेवकूफ कहीं का। यार रूबी छी, तेरा ये स्टैंडर्ड है? तुझे ये ऐसे ऐसे खौफ दिखाता है तुझे ये बेवकूफ का? और 20 रुपए की चेन लेकर आ गया 100 बाजार से। मैडम 20 रुपए की नहीं है, 150 रुपए की है ये। कैसे खुश होकर बोल रहा है छी, तेरी तो किस्मत ही खराब है ऐसा लड़का मिला। महंगी है। अभी मेरी कम बेइज्जती रह गई थी क्या भौजू से, जो ये और 20 रुपए की चेन लेकर आ गया मेरे सामने और बता रहा 150 रुपए ना? क्या लेकर आ गया ये? माय फुट। मुझे लगा तेरा बॉयफ्रेंड आया कुछ खर्च करेगा, ये तो हमसे खर्च करा लेगा उल्टा बेवकूफ कहेगा। ये ऐसे लड़के ना पैसे हटते लड़कियों से, मैंने बहुत देखे ऐसे लड़के घूम ले इसको, समझ आ गई? तेरी यही औकात है कैसे 10 रुपए में खुश हो रहा है ये बेवकूफ कहीं का? समझ में नहीं आ रहा इतना बोल रही है और बेइज्जती करानी है क्या तुझे? चार लड़को को बुला के ना अभी पिटवा दूंगी, बोल दूंगी इसको परेशान कर रहा है। आप लोग मत चिल्लाओ, गला खराब हो जाएगा। इतनी फिक्र तू मत कर, समझ आ गई? गवार कहीं का। इतनी फिकर थी ना तो पैसे कमाने थे इसको घुमाने के लिए, पर तू तो नहीं, तू तो हमें समोसा खिलाने आया है समोसे वाला। मैं कमा लूंगा 12,000 का मतलब तेरे 15,000 तक पहुंच जाऊंगा मैं। छोड़ दे अरे इससे बात करना, मैं पागल हो जाऊंगी। किसी चाटे मार मुझे, किसी और को फोन करके बुला ले तू। किसी और को बुला यार, वो था ना उससे सब इतने रिच है और तू कहां फटीचर सा? अभी एक फोन करूंगी तो कोई भी गाड़ी लेकर आ जाएगा, समझ है कि इधर स्कूटी लेकर तो कोई नहीं यार। इससे अच्छा तो कोई नहीं है, इससे अच्छा तो सुहेब था, कम से कम तुझे घुमाता तो था, पैसे तो खर्च करता था। इसके तो औकात ही नहीं फटीचर की। यार मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर ली, इसके चक्कर में तुमने उसको छोड़ दिया बेवकूफ। अब निकल यहाँ से, मेरी शक्ल क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? अभी भी नहीं जाएगा क्या? अब और 10 रुपए मारे क्या तेरे मुंह पे? यार 10 रुपए मेरे तरफ से भी मार दे। पेट्रोल ना तो 10 रुपए का डला लियो, तेरी औकात 10 रुपए की पेट्रोल जैसी है इस स्कूटी में, और उससे ज्यादा डल भी नहीं सकता। बस मैडम बहुत हो गया, आप लोग चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो? बस जवान लड़ा रहा है, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? तुझे बोला नहीं तो समझ में नहीं आ रहा और पिट के जाएगा कि चार लड़कों को बुला ना मैं पिटवा दूंगी, बोलूंगी इसको परेशान किया जा रहा है तब से बेवकूफ कहीं का। मुझे पता है मेरा कितना पारा हाई हो गया तेरे को देख देख के कब से। इंस्टाग्राम पे ना इसकी एक वीडियो जाती है ना तो 1,000 लोग लाखों लोग देखते हैं इसको, तेरे जैसे फटीचर किसी ने देख लिया ना तो पता चला इसकी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत नहीं जाएगी। तेरी तो खुद की इज्जत है नहीं, इसकी क्यों खराब कर रहा है? शर्म कर ले शर्म बेवकूफ का, ये गवार। चल यार चल यार, ये बेवकूफ का। अरे मैडम रुक तो जाओ, बात तो सुन के जाओ, अभी तो बहुत सारे गिफ्ट बचे हैं, अब इसको और कुछ सुनना है। अब तुम जैसे हम सुनेंगे। ड्राइवर ड्राइवर देख इसके इसके अपने पापा के मैकेनिक सेंटर से लेकर आया होगा इसको। नहीं मैडम ये मेरी गाड़ी है, ठीक है? और रही बात आईफोन की, तो अपने पास आईफोन की दुकान है, ठीक है? क्या बोल रहे थे, कुलचे खाने की औकात नहीं है? तुम दोनों खुद कुलचे की छठी कॉपी हो, और क्या है इनके इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल होती है, मेरे खुद के 1.5 मिलियन है। गूगल पे सर्च कर लेना जय भाई, पता चल जाएगा कौन हूँ।
मैं ऐसे ही दिखता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मुझे ऐसे रहना पसंद है। स्कूटी ये 150 रुपए की हो, 1.5 लाख की हो, 1.5 करोड़ की हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे हम तो मजाक कर रहे थे यार, ये सीरियस। लेकिन मैं सीरियस हूँ मैम, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, आपको नहीं पता। हाँ कई बार मुझे मजा आता है, मतलब आर्टिस्ट हूँ ना, जलील होना भी पसंद है मुझे। जो लोग मुझे नहीं जानते, अगर आप जानते तो मुझे जलील नहीं करते। यार सब छोड़ना, इसके पास तो कार है, तू इसके साथ सेट हो जा। मुझे तो लगता है इससे अच्छा लड़का तुझे मिलेगा ही नहीं। मिलेगा, मैं भी नहीं मिलूंगा इससे अच्छा, तो छोड़ो मैं ही नहीं मिलूंगा। नहीं पीता सिगरेट, नहीं पीता दारू, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं बैठना लोगों के साथ क्लबों में। आप लोग बैठो, आप लोगों की लाइफ है, आप लोग इंजॉय करो, अपने लिवर को स्ट्रॉन्ग करो। मैं तो कह रही हूँ रूबी, तू भी ना साथ कीर्तन में जा, इससे अच्छा लड़का मिलेगा कहाँ तुझे। कीर्तन में छोड़ो इनको, भजन में भी मैं ना ले जाऊँ। वैसे भी तुम दोनों की शक्ल बहुत तबले जैसी है, जो भजन में बजाते हैं। क्या बोली जा रहे हो? लोग बजाएंगे। अरे हम तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, हमने सोचा एक बार तुम्हें ट्रायल करते हैं मस्ती करके। भगवान आप दोनों को काम में और बरकत दे, 10-10 बॉयफ्रेंड दे, अमीर अमीर दे, गरीब गरीब दे, लेकिन दे जरूर। अच्छा कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे अभी आप कर रहे थे, धक्के मार रहे थे मेरी स्कूटी को, लात मार रहे थे। वो गिफ्ट कितने का? 150 रुपये। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, गिफ्ट में कैसे पैसे देखे जाते हैं यार। मुझे तो लगा ही था लड़का बहुत अच्छा है, तो दिख ही गया था आप दोनों की बातों से मैं कितना अच्छा हूँ। और क्या आईफोन चाहिए था तुम लोगों को? ड्राइवर आना जरा, चुप करिए। ये लो मैम आपके लिए 12 Pro Max, आपके लिए 13 Pro Max और आपके न्यू बॉयफ्रेंड के लिए 14 Pro Max। यार कम से कम कुछ तो फायदा हो इसके आने का। चुप कर दीक्षा यार, तेरी बातों से आपके यार जेब प्लीज ऐसे बेइज्जती तो मत करो यार, बहुत इंसल्ट कर दिया आपने। चलो आप बताओ, आप इज्जत करने लायक हो नहीं हो ना? फोन खोल के देखो एक बार, डब्बे तो खोलो यार। ये क्या बदतमीजी है हमारी, इतनी इंसल्ट। आप लोगों के दिल दिमाग की तरह ये डब्बा भी खाली है। जेब मेरे को तो पहले से पता था कि आप बहुत अच्छे डिसेंट से और क्यूट से हो, बट इसकी बातों में भड़कावे में मैं आ गए ना। अब निकल लो ये शक्ल लेके। जेब प्लीज ये रख लो। नहीं डब्बे तो आप ही रखो, फोन है मेरे पास, तुम्हारी औकात के अनुसार बहुत मिल गया। दूसरों के साथ ऐसे बदतमीजी करते हैं। सॉरी, इंसान इंसान होता है, गरीब हो या अमीर हो, दिल का अच्छा होना चाहिए। उससे गलती होगी आपको पहचानने में। तुम जैसे लोग इंस्टाग्राम पे गाड़ियों के साथ फोटो देख के मैसेज करते हो। सॉरी सर, मानी चाहिए, ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ लोग फॉलोअर देख के करते, कुछ लोग पैसा देख के करते। यार इंसान को भी देख लो, उसके दिल को भी देख लो। क्या हम एक चांस दे सकते हैं सृष्टि को? माफ करना रूबी जी, राम राम। बहुत बड़ी गलती हो गई, इतना अच्छा लड़का चला।